नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं चफा फड्डा। तावते के बाद अब देश में पूर्वी तटीय क्षेत्रों में तूफान यास का खतरा मंडराने लगा है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला चक्रवाती तूफान यास ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि चक्रवात यास के बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने और 26 मई को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की आशंका है, जिसके चलते केंद्र सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है और पीएम मोदी इस पर पूरी तरह से नज़र बनाए हुए हैं। उधर मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों पर 26 मई की सुबह से हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की उम्मीद है। शाम तक यह और तेजी से बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने कहा कि यह उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और आगे गंभीर रूप लेगा और 26 मई की सुबह तक पश्चिम बंगाल के पास बंगाल की उत्तरी खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा और बांग्लादेश के तटों तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा कि एक निम्न दबाव के क्षेत्र के बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य क्षेत्र पर विक्षोभ में केंद्रित होने की आशंका है। इसके उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है, जो 24 मई तक एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और अगले 24 घंटों में बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। वहीं इसके मद्देनज़र मछुआरों को चेतावनी जारी की गई है, जिसमें मछुआरों को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर 22 से 24 मई के बीच न जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा 23 से 25 मई तक बंगाल की मध्य खाड़ी और 24 से 26 मई के बीच पश्चिम बंगाल समेत ओडिशा और बांग्लादेश के तटों की ओर से जाने से मना किया है। साथ ही जो मछुआरे समुद्र के बीच में हैं, उन्हें लौटने की सलाह दी जा रही है। उधर नौसेना ने कहा कि तूफान के संभावित खतरे से निपटने के लिए बाढ़ राहत और बचाव की 8 टीमों के अलावा गोताखोरों की 4 टीमों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भेजा गया है। कोस्ट गार्ड, डिजास्टर रिलीफ टीम, इन्फ्लेटेबल बोट, लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट, इसके अलावा डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पर रखा है। साथ ही पोर्ट अथॉरिटी, ऑयल रिग ऑपरेटर्स, शिपिंग फिशरीज अथॉरिटी और मछुआरे संघों को चक्रवात को लेकर जानकारी दे दी गई है। बता दें कि 27 मई को कुछ इलाकों में अधिक बारिश होने का अनुमान है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान का असर होने के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी तट के जिलों में तेज बारिश हो सकती है और बाढ़ के हालात भी पैदा हो सकते हैं। धन्यवाद।